जैसे कोई व्यक्ति खाए तो ढकोसता हुआ चला जाए, वो कोई खाना है क्या? खाना तो वो है जबकि एक एक चीज का स्वाद लिया जाए कि आहा क्या जावित्री बोल रही है, क्या केसर बोल रही है, क्या इसमें अपूर्व से काली मिर्च बोल रही है, एक एक चीज का स्वाद आए तब तो स्वाद है, और बस खाते हुए चले गए। कॉलेज के सर्वेंट से पूछा वो कि अरे रामदीलाल कल तो मैंने साहब के यहाँ पर शादी थी, दावत में गया था, क्या क्या माल थे? बोले बापी हमें पता ना, हम तो खाने में लगे भाई। क्या क्या सामान लेना? बोले बापू जी हमें पता था, हम तो खाने में लगे भाई। तो कोई खाने की खाना है, इसका मतलब आलसिक है, वो स्वाद नहीं जानता है। तो यहाँ पर कोई तो जहाँ पर नेत्र बंद करके भी दर्शन किया जा रहा है वह तो स्वाद लेता हुआ ही विराजमान हो रहा है। तो मैं मूर्छित हो गया, तब श्री रामचंद्र जी ने कृपया मुझे उठाया और तत्कृपया व्यलोकयन, कृपापूर्वक मुझे देखा, इसका नाम है व्युत्थान। अच्छा, वैष्णवों की जो मूर्छा है वो क्या है? वैष्णवों की समाधि। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने वैष्णवों की समाधि का वर्णन किया कि माधुर्य स्वाद सम्मोह एव समाधि, ये वैष्णवों की समाधि है। ज्ञानियों की समाधि है तन्मात्रिक भानता, ध्येय पदार्थ के अतिरिक्त और किसी दूसरी चीज का अस्तित्व ही न रहे, ज्ञाता और ज्ञान दोनों समाप्त हो गए, केवल ज्ञाता भी ज्ञान में लीन हो गया और ज्ञान भी ज्ञेय में लीन हो गया, केवल ज्ञेय मात्र रह जाए, उसका नाम है समाधि ज्ञानियों की। परंतु वैष्णवों की जो समाधि है वो वैष्णवों की समाधि है कि माधुर्य आस्वाद में सम्मोह की प्राप्ति होना, वही समाधि मुझे प्राप्त हुई है। सीतानुरूपा रमते प्रिया प्रभो, श्री सीता जी प्रभु के पास में विराजमान है, पार्श्वे अनुज लक्ष्मणो नेतः, पास में श्री अनुज विराजमान है लक्ष्मण, दूसरी ओर कदा शुभ्रई बर चामरे प्रभु गायन, कभी श्री लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चमर करते हुए श्री प्रभु के ऊपर विराजमान है और श्री प्रभु के गुणों का गायन गुणान बीजयति स्थतोग्रतः, गुणों का गायन कर रहे हैं और सामने विराजमान है। कदा प्रयुक्तम श्लोक आयति स्वनिर्मित चित्रय स्तवय श्री हनुमान कृतांजलि, और श्री हनुमान जी तो वाणी के देवता ही है, यदि बात सिद्धि करनी हो तो हनुमान की प्रार्थना करनी चाहिए, हनुमान हनुमत उपास को जो आराधना करते हैं तो वाणी उनकी अपने आप शुद्ध हो जाती है। तो हनुमान कृतांजलि, श्री हनुमान जी ने अंजलि लेकर के बांध रहे हैं और श्री हनुमान जी तुरंत ही स्वनिर्मित चित्र ही धारा प्रवाह उस समय आधी तूफान की तरह से धड़ाधड़ बोलते जा रहे हैं और सुंदर सुंदर काव्य श्री रामचंद्र जी की स्तुति में अपने आप प्रवाह के समान प्रकट होते हुए चले जा रहे हैं। तो कदापि उत्तम श्लोक आई थी, श्री प्रभु की स्तुति हनुमान जी कर रहे हैं अपने निर्मित स्तवों के द्वारा। श्वेतात पत्रम विभर्त्य असौ, कभी श्री हनुमान आप श्वेत छत्र लगाते हुए विराजमान हैं, और कभी कभी तो छत्र की जरूरत नहीं हो तो रामचंद्र जी को जिस समय कंधे के ऊपर विराजमान करें तो समय अपनी पूंछ जो ऊंची आए वो ही श्री राम जी के ऊपर छत्र बन जाए, पूंछ का छत्र बना करके कभी श्री हनुमान जी विराजमान हो। तो श्वेतात पत्र सफेद आत पत्र, सफेद छत्ता लगाया जाएगा जो राजा होगा, पुराना ऐसा नियम था, और लोग दूसरे तरह के छत्र लगाएंगे, सफेद छत्र जो मूढ़ाभिषिक्त होता है उसके ऊपर ही सफेद छत्र होता है। तो श्वेतात पत्र सफेद छत्ता वह लग रहा है, क्षण संभाये तस्य पदाम्बुजे क्षण, और कभी श्री हनुमान जी उनके चरणों को दबाते हुए भी विराजमान होते हैं। सफेद रंग रिफ्लेक्ट करता है, काला रंग ऑब्जर्व करता है, गर्मी को काला रंग सोखता है और गर्मी देता है, और सफेद रंग की एक विशेषता है कि सफेद रंग
प्रकाश को कहीं प्रत्यावर्तित करता है, इसलिए सफेद छत्र वो ज्यादा शीतलता प्रदान करने वाला है। सेवा प्रकारान युक्तं बहुन क्षण, एक साथ बहुत से सेवा प्रकारों को भी श्री हनुमान जी करते हुए विराजमान है। तस्मिन अवयग्रम अहो तनोति, और सेवा में जरा भी व्यग्र नहीं होते हैं। हनुमान जी सेवा करने में जरा भी घबराते नहीं है कि आप कब तक सेवा करें, बड़ा कठिन धाम है, कोई कभी जरा पैर दबा दो तो दो मिनट तो दबा कर लगातार पैर दबाना है, ये भी कोई मामूली बात है। कभी बचपन में पिताजी कहते पैर दबा दे, दबा दे अभी अभी दूसरा पैर और दबा तो बड़ा कठिन काम है पैर दबाना, भी कोई मामूली बात है क्या? दो मिनट में ही मन उछट जाए, लग करके सेवा करना ये बड़ा कठिन काम है। परंतु हनुमान जी की सेवा देखो कि जरा भी उद्विग्न नहीं है, कोई सेवा कर रहे हैं सेवा से जरा भी व्याकुल नहीं है। वो पूरी जिस तरह से सेवा प्रारंभ हुई, सेवा समाप्त करते समय भी वही की वही रुचि और उत्कंठा विराजमान है। ये होना बड़ी कठिन बात है, नहीं तो शुरू शुरू में तो बड़ी सेवा का उल्लास रहता है और दो मिनट में ही सारा उल्लास ठंडा हो जाए। परंतु यहाँ पर समाहे तस्य पदा मुझे क्षण, श्री प्रभु के चरणों को दबा रहे हैं। सेवा प्रकारं युगपत बहुन क्षण, कभी अनेक सेवाओं को करते हुए विराजमान है अवैग्र होकर के, अवैग्रम अहो तनोत्तम, बिना व्यग्र हुए उन सेवाओं को करते हैं। परम हर्ष भरात क्रमो यम जय जय वदन प्रणमन मुहु, परम हर्ष से युक्त होकर के जय हो ऐसा कहकर के प्रणाम कर रहे हैं। और मृदुल वागम मृतय परमाद्भुतय भगवतार्द्र हृदय परितर्पिता, और मधुर वचन के द्वारा, परम अद्भुत मधुर वचनों के द्वारा श्री भगवान के गुणों का गायन करते हुए भगवान के गुणों से परतर्पित होकर के श्री हनुमान जी विराजमान है। ऐसे श्री राघवेंद्र सरकार का मैंने दर्शन किया है। तब श्री राघवेंद्र सरकार मुझसे बोले कि अरे भैया तुमने बड़ी देर कर दी, कहां रह गया? अब कहेंगे कि भाई ये हमारे पास में आया है, कुछ दिन रहे और कुछ दिन रहने के बाद में फिर जामवान जी से कहेंगे कि जामवान जी अपनी बेटी अपने देवते को भी देखे आओ, शाम को भी खिला आना, बेटी से भी मिले आना, अपनी बेटी जमाई इनसे भी मिलाना, जाओ ये जो गोप कुमार हैं ये यहाँ आए हैं श्री गोपाल का दर्शन करने के लिए, श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, इनको ले जाओ, पास में ही साकेत के ऊपर द्वारका धाम है, उस द्वारका धाम में तुम चले जाओ, द्वारका धाम में जाओ, श्री कृष्ण का दर्शन कराओगे, अपने बेटी जमाई देवते दौहित्र उनका भी दर्शन कराओगे, मिले आओगे, जरा बेटी का भी मन पसंद हो जाएगा, नाना जी को पा करके देवते भी बड़े आनंदित हो जाएंगे, जा थोड़ी देर मिल मिलो आप। तब श्री जाम्बवान अब श्री गोप कुमार को लेकर के जैसे द्वारका पहुंचेंगे उस लीला का आगे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की गोविंद जय, जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय चिंताय गौर हरि
Hey!
Thank you.